हेलो बच्चों, पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस अंक में आज हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो हैं आप पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपकी पुनरावृत्ति करा देता हूँ कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं। कि वे संख्याएँ जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती हैं और Q क्या होता है, अशून्य होता है। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन हम परिमेय संख्याओं को भी अगर दशमलव के रूप में व्यक्त करें तो उन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याओं को हमने दो प्रकार से बांटा, पहला है परिमेय संख्याएँ और दूसरा अपरिमेय संख्याएँ। तो परिमेय संख्याओं को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, पहला है शांत दशमलव संख्याएं और दूसरा है अशांत आवर्ती संख्याएं। तो शांत दशमलव संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें आप देखते होंगे कि अगर हम अंश में हर से भाग दे दें तो क्या मिलता है, शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। जैसे हम 1/2 में अगर 1 में 2 से डिवाइड करें, 1 में 2 से भाग दें तो क्या आता है, 0.5 आने के बाद यह इसका जो है भागफल समाप्त हो गया, आगे यह नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्याएं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कहीं ना कहीं वह जा करके दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक या 4 अंक के बाद वह समाप्त हो ही जाना है। और अशांत आवर्ती संख्याएँ क्या होती हैं, इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि वो टर्मिनेट ना होती हों, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें हम अंश में हर से भाग दें तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं ना कहीं उनका समापन ना हो। लास्ट में जैसे दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद आपका वह भागफल पूर्ण हो जाता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग या अशांत आवर्ती संख्याओं में वह दशमलव के बाद का जो भाग है वह कहीं समाप्त नहीं होता है, बल्कि वह अनंत तक चलता रहता है। और दूसरी खास बात इसमें यह होगी कि कुछ संख्याओं या संख्या समूहों का वो बार बार रिपीट होती जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जांपल हमने लिखा है शांत दशमलव संख्याओं में 1/2 और 1/5 1/10। तो 1/2 का जब आप 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आपको 0.5 मिलेगा। और 1/5 में 1/5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.2 मिलेगा। 1/10 में 1/10 से जब डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे तो 0.1 मिलता है। तो इनके दशमलव 1 अंक या 2 अंक पर जाकर के समाप्त हो जा रहे हैं दशमलव भाग। लेकिन इन संख्याओं में जैसे हमने 1/3 लिया तो इसका दशमलव पार्ट क्या है, 0.3333, ये अनंत तक बढ़ता जाएगा और कहीं भी समाप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से 1/7 में आप देख रहे हैं 0.142857 1/4/2857 और आगे भी 1/4/2857 ये आपको मिलता ही जाएगा। यानी कि यह क्या है, यह रिपीट हो रहा है, यह भाग की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम अशांत आवर्ती संख्याएं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हमने दो बार में वर्गीकृत किया, शांत दशमलव संख्याएँ और अशांत आवर्ती संख्याएँ। अपरिमेय संख्याओं में अशांत अनावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? तो अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि वह टर्मिनेट नहीं होंगी, उनका कहीं ना कहीं अंत नहीं होगा। यानी कि अगर हम अंश में हर से भाग दें तो उनमें क्या होगा, किसी भी बिंदु पर उनका अंत नहीं होगा, बल्कि वह अनंत तक बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ उनमें किसी भी संख्या या संख्या समूह की पुनरावृत्ति एक भी बार नहीं होती है। तो जैसे आपने देखा करणी में 2 और 5, तो करणी में 2 का जो मान है वो 1.4142135 आगे बढ़ता जाएगा, इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसी तरह से पाई का मान आपको मिला 3.14159265 एंड सो ऑन, आगे तक ये मिलता जाएगा और इसमें किसी भी संख्या या संख्या समूह की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं या अशांत अनावर्ती संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों, आपने देखा कि शांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं और अशांत दशमलव संख्याएं
क्या होती हैं। तो क्या हम बिना भाग दिए भी यह पता कर सकते हैं कि दी गई परिमेय संख्या 7 दशमलव है या 7 दशमलव संख्या है? तो उसके लिए एक नियम है कि दी गई संख्या के हर में आपको यह देखना होगा कि क्या हर केवल 2 और 5 के गुणक में है या 2 और 5 की पुनरावृत्ति के गुणक में है। जैसे हम अगर 1/10 लेते हैं तो 1/10 में 2×5 आता है हर में। आइए देखते हैं। जैसे हमने लिया 1/10, तो 1/10 जो है इसे आप लिख सकते हैं 1/2×5 और इसकी वैल्यू क्या आती है 0.1। 1/4 अगर हमने लिया तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2×2, ठीक है। 1/4 की वैल्यू आपको मिलती है 0.25। तो इस तरह की संख्याएं जिनके हर में 2 या 5 या 2 और 5 के गुणक, यानी कि 2 कितनी भी बार आए या 5 कितनी भी बार आए, ठीक है। तो अगर दी गई परिमेय संख्याओं के हर में 2 की पुनरावृत्ति हो रही हो या 5 की पुनरावृत्ति हो रही हो केवल, यानी कि 2 और 5 के अलावा उनके हर में कोई और संख्या ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे, 7 दशमलव संख्या कहेंगे। और यदि उनके हर में 2 और 5 के अलावा एक तीसरी संख्या भी है तो उस तरह की संख्या को हम क्या कहेंगे, 7 दशमलव संख्या। जैसे 1/30 आपको दिया गया है, अगर 1/30 को आप फैक्टराइज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या मिलेगा, 2×3×5, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 तो हैं लेकिन साथ ही साथ ये 3 भी आ गया, तो इस वजह से यह क्या होगा, एक 7 दशमलव संख्या होगी। तो इस तरीके से बिना भाग दिए भी आप पता कर सकते हैं कि दी गई संख्या आपकी 7 दशमलव संख्या या 7 दशमलव। केवल करना क्या होगा आपको, केवल दिए गए परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड करना होगा। यदि वह गुणनखंड 2 या 5 का गुणक है या 2 और 5 की पुनरावृत्ति उसमें हो रही है तो वह 7 दशमलव संख्या होगी, और उसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या जैसे 3, 7 या 11, 13 या अन्य कोई संख्या भी आती है जो 2 और 5 के गुणक में ना हो, तो उस तरह की संख्याएं जो होंगी वह 7 दशमलव संख्याएं होंगी। बच्चों, अगला जो टॉपिक है वह है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे कि आपको प्रश्न में दिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप देखेंगे दिया होगा कि 1/2 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या 1/2 और 1/10 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसे एक विधि द्वारा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं ए और बी हैं जो हमें अज्ञात हैं, ए क्या है और बी क्या हमें अज्ञात हैं। तो एक हम विधि सीखते हैं यहाँ पे कि ए और बी के बीच में यदि हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी या पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या क्या मिलेगी, ए प्लस बी बाई 2, यानी दोनों का योगफल करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो मिलेगा वह क्या होगी, पहली परिमेय संख्या ए और बी के बीच में। यदि हम इसका नाम M1 दे दें, ठीक है, तो हमने पहली संख्या को M1 दे दिया। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है जो A और B के बीच में हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अब M1 और B के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम M1 प्लस B बाई 2 कर देंगे, ये हमारी M2 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो तीसरी संख्या जो होगी उसे ज्ञात करने के लिए हम M2 और B के बीच की संख्या ज्ञात करेंगे, तो इस प्रकार से M2 प्लस B होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M3। ये आपका क्या मिला, ये तीसरी जो है परिमेय संख्या मिल गई वो A और B के बीच में। इसी प्रकार से आप असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझें कि यदि हमें 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहली संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहली संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1/3 और 1/2 को जोड़ेंगे और जो योगफल आएगा उसमें हम 2 से भाग देंगे। तो
भिन्नों का योग आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो 1/3 + 1/2 का योगफल आएगा आपका 5/6, और 5/6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/12। तो ये आपकी पहली संख्या हो गई जो 1/3 और 1/2 के बीच में है। और दूसरी संख्या जब हम ज्ञात करेंगे तो अब हम, जैसे आपने देखा कि m1 मिलता है, तो m1 के स्थान पर ये हो गया, अब हमारा जो पहला संख्या हो गया m1 यानी कि 5/12, और उसके साथ योग हम करेंगे लास्ट संख्या का 1/2, और दोनों के योगफल को 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब 5/12 और 1/2 का योगफल हमें करना है, तो लसा इसका 12 हो गया और ये मिल जाएगा 11, 11/12 × 1/2, तो ये आपको हो जाएगा 11/24। तो इस तरह से आपने देखा कि 1/3 और 1/2 के बीच में दो परिमेय संख्याएं हमने कैसे ज्ञात की। पहले हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग किया और उसका आधा किया, तो उनके बीच की पहली संख्या मिल गई जो कि परिमेय संख्या है। अब हम अगर हमें अगर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है 1/3 और 1/2 के बीच में, तो पहली संख्या मिली है उसको और अंतिम संख्या के योगफल को 2 से हम विभाजित करेंगे, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या होगी जो 1/3 और 1/2 के बीच की संख्या होगी। तो इस प्रकार से किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं।